बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू गुलफिशा गर्ल्स हाई स्कूल ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम। टुडे आवर सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश फॉर क्लास 3। वी लर्न यूनिट नंबर 3, थ्री गुड फ्रेंड्स। फर्स्ट वी लर्न वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस लेसन। विलेज, गांव। फॉर एवर, हमेशा के लिए। फ्रेंड, दोस्त। प्रोमिस्ड, वादा किया। टेलर, दर्जी। नीड, ज़रूरत। अर्निंग, रोज़ी कमाना। रिसीव्ड, वसूल किया। मेडिसन्स, दवाइयाँ। अपसेट, परेशान। हैप्पीनेस, खुशी। प्रेज, तारीफ। नाउ वी लर्न क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड रज़ा, अहमद एंड बिलाल प्रोमिस टू ईच अदर। आंसर, दे प्रोमिस्ड दैट they will help one another in times of need. Question number 2, why was Bilal's wife sad? Answer, because she did not see her children in old clothes on Eid day. Question number 3, what did Raza say to Bilal over the call? Answer, he said that his daughter was ill and he had no money, so he asked help of him. Question number 4, what did Bilal's daughter say to him? Answer, she said that give this money to your friend. Question number 5, what is real happiness? Answer, helping others in times of need is real happiness. Now we learn about singular nouns and plural nouns. Singular nouns. Singular means one. Singular का मतलब एक होता है, वो इस्म जो सिर्फ एक चीज, शख्स या जगह को जाहिर करे उसे सिंगुलर नाउंस कहते हैं। प्लूरल नाउन। प्लूरल मीन्स मोर देन वन। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा होता है, वो इसम जो एक से ज़्यादा चीज़ों को जाहिर करे प्लूरल नाउन कहलाता है। यहाँ पे हम कुछ असूल या कवानीन डिस्कस करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि प्लूरल नाउन कैसे बनाने हैं। अगर किसी नाम के आखिर में ओ आता है और ओ से पहले कंसोनेंट आ जाए तो उस वर्ड के आखिर में ई एस का इजाफा करते हैं। जैसा कि पहला लफ्ज़ है बफलो, इस वर्ड के लास्ट में ओ है और ओ से पहले कंसोनेंट लेटर है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इस वर्ड के लास्ट में हम ई एस का इजाफा कर देंगे। इसी तरह जब किसी नाम के आखिर में एस एच, सी एच, डबल एस या एक्स आ जाए तो भी उस लफ्ज़ के आखिर में हम ई एस का इजाफा करते हैं। वॉच, इस वर्ड के लास्ट में सी एच है, इसीलिए इसके लास्ट में हम ई एस का इजाफा करेंगे। ड्रेस, इस वर्ड के लास्ट में डबल एस है और जब डबल एस आ जाए तो हम ई एस का इजाफा करके प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट 3 वर्ड हैं बेरी, पार्टी, सिटी। जब किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई आ जाए तो हम वाई से और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को ड्रॉप करके हम आई ई एस का इजाफा करते हैं। इसी तरह बेरी, पार्टी और सिटी वर्ड्स में हम वाई को ड्रॉप करके आई ई एस का इजाफा करेंगे। बेरीज, पार्टीज, सिटीज। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम सो ज्वाइन अस आवर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू। Press bell icon, like, comment and share.